चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस ये डाउट में जरूर आता है, ये जो क्वेश्चन है वो डाउट में जरूर आता है, बच्चे इसको डाउट लेके आते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों को ये डाउट में आया है क्वेश्चन, ठीक है, बड़े बड़े टॉपर को भी ये क्वेश्चन डाउट में आता है। चलो ए सेटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, ठीक है, एक सेटेलाइट है जो कि प्यारे बच्चों फोर्स फ्री स्पेस में है, अंडर द प्लेनेटरी मोशन डस्ट रेट डीएम ओवर डीटी से, ये इसके डीएम ओवर डी टी ये कर रहा है, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है। डीएम ओवर डी टी क्या है? वेरिएबल मास का, वेरिएबल मास होता है, ठीक है। वेर एम इज द मास एंड बी इज द स्पीड ऑफ द सेटेलाइट एंड अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट द एक्सलेशन ऑफ सेटेलाइट। अब देखो अगर एक सेटेलाइट है, ठीक है, मान लो ये सन है, तो इस सन के अराउंड अगर एक सेटेलाइट है और वो सेटेलाइट अपना कुछ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन वो डस्ट स्वीप कर रहा है, डस्ट स्वीप कर रहा है डीएम ओवर डी टी, द रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ डस्ट, डस्ट कलेक्ट कर रहा है डीएम ओवर डी टी, दैट इज अल्फा वी से, अल्फा वी से। तो जब कभी भी डीएम ओवर डी टी आता है, हम सबको पता है कि ये क्या होता है, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम होता है। अब हमें वेलोसिटी हमें क्या निकालना है, द एक्सलेशन ऑफ द सेटेलाइट, सेटेलाइट की एक्सलेशन निकालनी है। अगर सेटेलाइट की एक्सलेशन निकालनी है तो हाँ, एक ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, फोर्स फ्री स्पेस। फोर्स फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है? फोर्स फ्री स्पेस का मतलब होता है कि वहां पे नेट फोर्स जीरो, वहां पे फोर्स जीरो है, सेटेलाइट एक्सटर्नल जो फोर्स है, ठीक है, वो एक्चुअली जीरो, फोर्स फ्री स्पेस है, ठीक है। तो अगर वो फोर्स फ्री स्पेस है तो उस फोर्स फ्री स्पेस में अब आपको वेरिएबल मास का प्रॉब्लम किए होंगे, वेरिएबल मास का प्रॉब्लम क्या होता है, फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी, है ना, पढ़े हुए फार्मूला, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये डायरेक्ट लिख दिया, मैं नहीं समझ में आया, ओ, ओ क्या कर रहे हो, साइड में समझा दो सर। तो F इज इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी टी मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम वी। अब इसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, आता ना डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, एम डी वी अपन डी टी प्लस वी डी वी अपन डी टी, ठीक है। अगर याद करो कि मास कांस्टेंट रहता था तो ये जीरो हो जाता था और ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए मिल जाता था, डी वी बाई डी टी एक्सलेशन है और फोर्स इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अभी अगर फोर्स फ्री स्पेस में है और ये अल्फा दिया हुआ है, तो फोर्स फ्री स्पेस में ये चला गया जीरो और ये आ जाएगा एम, दैट इज डी वी अपान डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वी अपान डी टी प्लस बी और डी एम अपान डी टी की वैल्यू अल्फा वी है। इसका मतलब ये हुआ कि डी वी अपान डी टी जो एक्सलेशन पूछ रहा है वो माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपान एम के इक्वल होगा, ठीक है। यही तो एक्सलेशन है, डी वी अपान डी टी इज द एक्सलेशन, डी वी अपान डी टी इज द एक्सलेशन, ठीक है। डी वी अपान डी टी माइनस अल्फा वी स्क्वायर एम माइनस अल्फा वी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज डी ऑप्शन।